अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ दो अंडे से बनी हुई रेसिपी जो बहुत ही शानदार बन के तैयार होती है। तो दो अंडे को मैंने छोटे से बाउल में तोड़ लिया है और इसको खूब अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। इसको खूब अच्छे से फेंटना है, फेंट के एक साइड में रख देंगे। कढ़ाई में मैंने एक चम्मच तेल डाला है और आधा चम्मच जीरा डाल के उसको हम छटका लेंगे थोड़ा सा तेल में, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और इसकी खुशबू तेल में आ जाए। फिर एक मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने काट के डाल दिया है। तीन हरी मिर्च को बारीक चॉप करके इसमें डाल देंगे प्याज में, और लहसुन अदरक मैंने डाल दिया है आधा चम्मच। उनको भी प्याज और हरी मिर्च के साथ अच्छे से भून लेंगे। जब खुशबू आने लगे लहसुन में, उसके बाद उसमें मैंने आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिया है। और चिली फ्लेक्स डालने के बाद इसमें मैंने एक चम्मच चाट मसाला पाउडर डाल दिया है। इससे बहुत ही चटपटी और टेस्टी बन के तैयार होती है। मिक्स कर लेते हैं इन दोनों चीज़ों को। बहुत ही हल्के मसालों में ये बन के तैयार हो जाती है। आधा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक इसमें डाल लीजिएगा, जितना आप खाते हैं कम ज़्यादा। और इनको अच्छे से भून लेंगे। जब प्याज और अंडे अलग अलग हो जाए उतना ब्रेड मैंने लिया है, इसके कॉर्नर को हम काट लेंगे और काट के एक साइड में रख देंगे। सभी ब्रेड को जितना का हमें बनाना है, चार चम्मच मैंने मैदा लिया है और उसमें मैदे में थोड़ी सी एक चौथाई चम्मच इसमें हम नमक ऐड कर देंगे, जिससे ये थोड़ी सी बेटर जो नमकीन लगे। और इसमें एक चौथाई चम्मच चिली फ्लेक्स भी हम ऐड कर देंगे, ताकि थोड़ा सा तीखा भी फ्लेवर आए इसमें। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक इसकी सैलरी बना के रेडी कर लेंगे। एक साथ पानी मत डालिएगा, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा तो और इसमें मैदे को मिलाना पड़ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी ही डाल के इसकी कंसिस्टेंसी ध्यान से देख लीजिए, कुछ इस तरीके से बना के रखना है। ना ये ज़्यादा गाढ़ा रहेगा और ना ज़्यादा पतला। कॉर्नफ्लेक्स लिया है मैंने, इसको हाथों से थोड़ा सा मसल के इसका चूरा बना लेंगे, एक साइड में रख देंगे। और ये देखिए मैंने आटे का घोल बना के रख लिया है, थोड़ा सा पानी डाल के अलग साइड में। और ब्रेड जो हमने काट के रखा था ना, उस पर थोड़ा सा बेलन चला देंगे, ताकि ये थोड़ा सा इससे सॉफ्ट हो जाता है। फिर अंडे की भुर्जी जो मैंने बनाई थी उसको हम ब्रेड के बीच में रखेंगे और आटे के घोल को साइड साइड में चारों तरफ लगा देंगे। ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की भुर्जी है, सिंपल है लेकिन टेस्टी लगती है। और फिर उसमें ब्रेड को हम दोनों तरफ से मोड़ के अच्छे से हाथों से चिपका लेंगे। खूब अच्छे तरीके से चिपकाना है, ताकि ये तेल में जब जाए ना तो खुले नहीं। ये कन्फर्म कर लीजिएगा कि अच्छे से चिपक चुका है। और इसी तरीके से बना के सभी को रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा जो मैंने मैदे का बैटर बनाया था उसको मिक्स कर लेंगे, ताकि नमक और मैदे जो है सभी अच्छे से मिक्स हो जाए। और ब्रेड के पॉकेट को उठाएंगे और उसमें कोट कर देंगे मैदे में। उसके बाद उसमें से निकालने के बाद चिली फ्लेक्स लगा के चारों तरफ से उसको कोट कर देंगे। थोड़ा सा और मैं मसल के इसको बारीक कर लेती हूँ। कढ़ाई में तेल डाल के उसको फुल फ्लेम पे गरम करेंगे, हाई फ्लेम पे गरम करके एक एक पॉकेट डाल के इसमें हम फ्राई कर लेंगे। एक या दो या तीन, जितने आपके कढ़ाई में आ जाए आप डाल के इसको फ्राई कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से सुनहरा जब हो जाए तो इसको निकाल लीजिएगा। हाई फ्लेम पे इसे फ्राई कीजिएगा, नहीं तो लो और मीडियम पे करेंगे ना तो ये जो ब्रेड है वो ज़्यादा तेल अब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए हाई फ्लेम पे फटाफट। क्योंकि ब्रेड है, अंदर जो स्टफिंग हमने पहले से ही ऑलरेडी पका के रखा हुआ है, तो इसलिए फटाफट उसको हम फ्राई कर लेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।